80 वर्षीय वृद्ध महिला को डॉक्टर ने धक्का देकर अस्पताल से निकाला बाहर। 80 वर्षीय वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ मोदहा कस्बे के सरकारी अस्पताल के लिए गई हुई थी, तभी अचानक मुंह पर मास्क न होने के कारण डॉक्टर गुस्से से आग बबूला हो अस्पताल में वृद्ध महिला को धक्का देकर भगाना चाहा। वृद्ध महिला गिरकर और भी घायल हो गई। महिला का आरोप है कि वह साड़ी मुंह पर लगाए हुए थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे मास्क लगाने को कहकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया तथा आवास में आकर इलाज करवाने की बात कही, जिससे वृद्ध महिला व उसके बेटे के बीच कहासुनी हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। डॉक्टर द्वारा अपनाया गया रवैया अमानवीय है। क्या कैसे क्या डॉक्टर ने क्या किया था? आप मास्क नहीं लगाई थी क्या मुँह में? चेहरा दिखा रही थी, चेहरा दिखा में लागू आपको डॉक्टर ने धक्का दिया? इन्हें अस्पताल लेके गया था डॉक्टर साहब दिखाने, और जैसे ही पहुंचा इन्होंने कहा कि मास्क आप लगाएं, मैं कहा हम लगाए, सैनिटाइज किए, उनका सैनिटाइज किए, उसके बाद बोले कि ऐसा है कि आप यहाँ से निकलिए तुरंत मेरे कमरे को, मैं आवास में देखूंगा। हमने कहा आवास में सर यहीं देख लीजिए, तो उन्हें धक्का मार दिया जो उस मेज का, मेज रखते थे तो वो गिर गई, इनका हार्ट प्रेशर मशीन और ये सब डैमेज हो गया और इनके नाक से खून निकलने लगा। अब फिर मैं किसी तरह इनको निभा के लाया और मैंने पुलिस में कंप्लेंट कल किया, SDM साहब को कंप्लेंट किया और सारे CMO साहब को भेजा व्हाट्सएप में, सारे लोगों को शिकायत भेज चुका हूँ। इसके बावजूद मेरे खिलाफ वो जो है दबाव बनाए हैं कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, जबकि हम नियमानुसार थे, रूलिंग से थे, मास्क लगाए थे, सैनिटाइज किए थे, हर तरह से हम रिक्वेस्ट करके दूर से बात कर रहे थे, हमारी कहीं फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती इनको देखा कि नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, गिरा दिया, धक्का देकर के और घसीटते हुए एक कर्मचारी के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में बाहर तक ले आए और कैंपस से